पीछे सर, पीछे सर, थोड़ा पीछे सर प्लीज, थोड़ा पीछे सर। मैन का किया गया है कहने का, आप सकते हैं कि जो ये बस है इसमें वो तमाम नीचे यहाँ पे पहुँचे जो 35 सालों के दौरान जम्मू वालों को वो बात देने वाले हैं जिसका एक जम्मू वासियों को काफी लंबे समय से था। आप देख सकते हैं कि तमाम वो पिक्चर जिनको जो है टीवी पर देखा पहले वो जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देखते हैं कि जो स्टाफ जो है वो यहाँ पे जम्मू में बोलना नहीं होगा, गाड़ी कहने कर लिया प्लीज बिल्कुल। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू आज स्टेडियम में होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर की धरती पे प्रवेश कर चुके हैं। कल शाम को देखते हुए नजर आई तमाम तस्वीरें देख ट्रैफिक का जैसे आपने देखा है, हमने कल एडवाइजरी निकाली थी जो आप सब लोगों ने शेयर की है, उसमें हमने डिफरेंट पार्किंग स्पेसेस अलॉट की हैं जम्मू में आइडेंटिफाई करके, और उसमें कितनी कितनी गाड़ियां खड़ी रहेंगी ये भी हमने उसमें आइडेंटिफाई किया है, और आप सब लोगों ने उसको शेयर किया है, आज पेपर में भी आया है, और उससे काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी। टोटल कोई 25-1 जगह हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं इसमें कि MM स्टेडियम के अंदर जो है वो प्लेयर्स की गाड़ियाँ रहेंगी प्लस उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी गाड़ियाँ रहेंगी। उसके अलावा साइंस कॉलेज है, साइंस कॉलेज में आप जानते हैं वहाँ पे हज़ारें गाड़ी छोटी गाड़ी लग सकती है। उसके बाद भगवती नगर है, भगवती नगर में गाड़ियाँ रहेंगी। उसके बाद हमारा ये जो कल्चरल अकेडमी है, JDA की पार्किंग है बस स्टैंड के ऊपर, वहाँ पर गाड़ियाँ लगने की सुविधा है। उसके अलावा प्रेस क्लब में भी हमने सोचा है गाड़ियाँ लगाएंगे, वहाँ हम लगाएंगे गाड़ियाँ। साउथ इलाके में MM कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और वुमेंस कॉलेज है, प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और हक्कू स्टेडियम है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी 4-5 हज़ार गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ लग जाएंगी। तो ये हमने डिटेल्ड एक निकाला है ताकि लोग जिस तरफ से अगर जो साउथ की तरफ से आ रहा है, आरएसपुरा की तरफ से या सतवारी की तरफ से, गांधीनगर की तरफ से, नरवाल की तरफ से, तो वो अपनी गाड़ियाँ अकॉर्डिंगली पार्किंग स्पेस में जो उनके नियरेस्ट है वहाँ पार्क करें, और जो नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, जो अखनूर की तरफ से या फला की तरफ से, सिटी की तरफ से, तो वो अपनी गाड़ियाँ नॉर्थ के जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं साइंस कॉलेज JDA पार्किंग वहाँ पार्क करें। उसके अलावा कनेक्टिंग इसके साथ ये है कि हमने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ क्रिकेट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने कुछ शटल बसेस का बंदोबस्त किया है, और शटल बसेस वो लगाएंगे जो पार्किंग से स्पेक्टेटर्स को लेके तो यहाँ वेन्यू तक आएंगी। ये वेन्यू है, यहाँ पे ड्रॉप होंगी, वो स्पेक्टेटर्स ड्रॉप होंगे और यहाँ से वापस वो जो शटल बसेस जाएंगी और स्पेक्टेटर्स अपना पार्क करेंगे गाड़ियाँ और वहाँ से उनको ले के यहाँ, और जाते वक्त भी ये है कि जैसे ख़त्म होगा मैच उसमें वो गाड़ियाँ लेके यहाँ से अपने उनको पार्किंग जगहों पे जाएंगे। उससे अलावा भी हमने ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग की थी, एडिशनल एसपी साहब इन्होंने भी ट्रांसपोर्टर्स को कॉल किया था, और मेरी तरफ से भी हमने कल DC जम्मू भी थे, SSP जम्मू भी थे, हमने ट्रांसपोर्टर्स को बोला था कि आप शाम की तरफ और आपके ये जो माध्यम से भी मैं
सबसे यहाँ पे जम्मू के लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे, उनको मैं बोलूँगा कि आप शाम को भी गाड़ियाँ चलाएँ, और स्पेशली जो नाइट आवर्स हैं और अखनूर की तरफ हो गया, बड़ी ब्राह्मणा हो गया, आरएसपुरा जो दूर जाने वाली हैं वो चलाएँ, और हमारी तरफ से पूरी उनको सुविधा दी जाएगी, वो यहाँ से अपने पैसेंजर्स स्पेक्टेटर्स उठाएँ, और जिन्हें घर जाना होगा जो अपनी ट्रांसपोर्ट में नहीं आया होगा उसको वो चलाएँ। तो मेरी तरफ से भी ये उनको अपने ट्रांसपोर्टर्स को एक अपील भी है और ये भी है कि वो अपना चलाएँ, और ताकि किसी को कोई किसी किस्म की ट्रैफिक की वजह से वो सुविधा असुविधा ना। बाकी जो लोग आ रहे हैं जो कि मैच के लिए नहीं आएंगे या डेली जो रूटीन में